नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिनाथ, आप देख रहे हैं बफिन त्रिनाथ यूट्यूब चैनल। स्वागत है हमारे एक नए अपडेट में। जी हां दोस्तों, SBI की तरफ से SBI योनो का एक नया अपडेट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप एक SBI के सेविंग या करेंट अकाउंट होल्डर हैं और आप SBI योनो एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन नहीं किए हुए हैं या आपका SBI इंटरनेट बैंकिंग ID क्रिएट नहीं किया गया है, तो पूरा आसान तरीके से आप कुछ ही मिनटों में यहाँ पर योनो न्यू रजिस्ट्रेशन और SBI इंटरनेट बैंकिंग ओपन कर पाएंगे। उसके रिलेटेड वीडियोज आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगे और ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक्स देखने को मिलेंगे। वहाँ से जाकर आप आसानी से इस प्रोसेस को कम्प्लीट करके एक न्यू यूजर ID और पासवर्ड इंटरनेट बैंकिंग के लिए बना सकते हैं, साथ ही आप योनो में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर पहले आप कोई भी मोबाइल में योनो में लॉगिन करने के लिए या योनो में रजिस्ट्रेशन करने के लिए मोबाइल में यहाँ पर बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर की प्रेजेंस की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। बट दोस्तों, हाल ही में SBI ने योनो लाइट एप्लीकेशन में ये अपडेट ला चुका है कि अगर आपके अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का सिम एक्टिव नहीं है या आपके मोबाइल फोन में प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर आप लॉग इन नहीं कर पाएंगे। वैसे ही सेम प्रोसीजर यहाँ पर योनो एप्लीकेशन में भी अपडेट आ चुका है। अगर आपके मोबाइल फोन में आपके अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का सिम नहीं है, तो यहाँ पर आप लॉग इन नहीं कर पाएंगे, आपको एरर शो करेगा। सो यहाँ पर इस तरह के प्रोसेस से अगर लॉग इन या रजिस्ट्रेशन किया जाए, तो यहाँ पर योनो का जो सिक्योरिटी फीचर्स है वो थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग किया गया है। सो वहीं अगर बात करें, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आपको अगर अपने मोबाइल फोन में गूगल पे, फोन पे जैसे एप्लीकेशंस को यूज करना होता था, तो आपके मोबाइल फोन में आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड सिम का होना बहुत ही जरूरी था। उसी तरह से यहाँ पर योनो में भी ये अपडेट लाया गया है, यहाँ पर भी सेम प्रोसीजर से आप लॉग इन और रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। सो दोस्तों, यहाँ पर जो लोग योनो एप्लीकेशन के पुराने यूजर्स हैं और उन्हें लॉग इन करते टाइम कुछ एरर शो कर रहे हैं, प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, या आप एक नए यूजर हैं, पहली बार योनो एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करके लॉग इन करने वाले हैं अपने इंटरनेट बैंकिंग के यूजर ID और पासवर्ड की मदद से, तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है। आगे की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पूरा प्रोसेस, इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ये नए वाले अपडेट के अनुसार। तो चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, जैसे कि अगर आप एक पुराने योनो एप्लीकेशन के यूजर हैं, तो पहले प्ले स्टोर में जाएं और एप्लीकेशन को अपडेट कर लें और ओपन करें। और वहीं अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तब भी आप प्ले स्टोर में जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें, उसके बाद ओपन करें। देन यहाँ पर एप्लीकेशन को डिवाइस लोकेशन को एक्सेस करने के लिए अलाउ करें। सो नेक्स्ट, यहाँ पर योनो में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके मोबाइल में जो दोनों सिम होंगे उनमें से जो अकाउंट में रजिस्टर्ड है उसी नंबर पे ही योनो रजिस्टर्ड होगा। यहाँ पर एक SMS आएगा आपके सिम को वेरिफिकेशन करने के लिए कि आपका उसी सेम डिवाइस में सिम है या नहीं है, उसके लिए स्टैंडर्ड SMS चार्जेस भी एप्लीकेबल होंगे। सो दोस्तों, यहाँ पर ये जरूर ध्यान रखें कि आपके बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसमें बैलेंस होना चाहिए, यानी एक्टिवली वो रिचार्ज होना चाहिए, इनकमिंग SMS के लिए एक्टिव रहना चाहिए। सो देन यहाँ पर अगर आप अपने मोबाइल में दो सिम्स यूज करते हैं, तो यहाँ पर सिम 1 और सिम 2 शो करेगा। अगर आप एक करते हैं, तो यहाँ पर सिम 1 ही शो करेगा। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर सिम 1 और सिम 2 में से एक चूज करेंगे जिस सिम स्लॉट में आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का सिम इंसर्ट किया गया है। नेक्स्ट, यहाँ पर सिम को चूज करने के बाद नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करें। देन यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई करेगा कि आपके डिवाइस में ये मौजूद है या नहीं है। सो नेक्स्ट, यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए आप अपना अकाउंट डिटेल्स यहाँ पर भरेंगे, अपना अकाउंट नंबर यहाँ पर फिल करेंगे, जो SBI अकाउंट में आपका इंटरनेट बैंकिंग एक्टिव है उसी अकाउंट का यहाँ पर अकाउंट नंबर भरेंगे। देन आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, देन नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करें। सो यहाँ पर इस पेज में आपको ये शो कर देगा कि आपने जो बैंक अकाउंट डिटेल्स दिया है उस बैंक अकाउंट में आपका SBI इंटरनेट बैंकिंग एक्टिव है, तो आप अपना इंटरनेट बैंकिंग यूजर ID और पासवर्ड को यूज करके यहाँ पर लॉग इन कर पाएंगे। उसके लिए यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करें। देन नेक्स्ट, इस पेज में आपको अपना इंटरनेट बैंकिंग का यूजर ID भरना होगा। नेक्स्ट, नेट बैंकिंग का पासवर्ड भरें। देन नीचे आपको यहाँ पर रेफरल कोड मांगा गया है जो कि ऑप्शनल है, यहाँ पर आप इसे स्किप कर लें और नीचे सबमिट पर क्लिक कर दें। सो यहाँ पर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, जिस OTP को यहाँ पर भरेंगे और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर लें। नेक्स्ट, इस पेज में आपको एप्लीकेशन का MPIN सेट करने के लिए कंसेंट को एक्सेप्ट करना होगा। ये MPIN से आपको ये सुविधा मिलेगा कि आप जब भी योनो ओपन करेंगे, तो यहाँ पर आपको यूजर ID और पासवर्ड बार बार फिल नहीं करना पड़ेगा लॉग इन ऑथेंटिकेशन करने के लिए। सो आप डायरेक्टली
एप्लीकेशन में एम पिन के मदद से लॉग इन कर पाएंगे जो एम पिन आप अभी सेट करेंगे। सो यहाँ पर नीचे स्क्रोल करके नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। सो आपको यहाँ पर सेट ए न्यू एम पिन, तो यहाँ पर आपको 6 डिजिट का एम पिन एक सेट करना होगा। आप अपने मर्जी से एक पासवर्ड की तरह एक 6 डिजिट का एम पिन यहाँ पर सेट करेंगे। उसके नीचे री एंटर न्यू एम पिन, तो यहाँ पर उसे फिर से रीटाइप कर लें। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इस तरह से आप योनो एप्लीकेशन में सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाएंगे। आप यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दें और यहाँ पर आपके योनो एप्लीकेशन में आपका अकाउंट पूरी तरह से ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप पूरे अकाउंट को एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पर आगे आपको गाइड किया जाएगा इसके सारे फीचर्स के बारे में, तो नीचे आप नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करते रहें। Use YONO cash to withdraw and deposit money without using an ATM card. So, यहाँ पर आपको योनो एप्लीकेशन में योनो कैश का फैसिलिटी मिलता है, जहाँ पर आप बिना ATM कार्ड के विड्रॉ और डिपॉजिट कर पाएंगे। Search and get instant answers to your queries. Invest in mutual funds and securities. Avail loans and achieve your dreams. Explore exclusive shopping offers from 85+ merchants and more. Personalized offers and recommendations only for you. YONO Krishi, one-stop solution for all your farming needs. And do much more through service requests. Make contactless payments up to Rs. 2000. Tap and pay on the go using variables. Earn, track and redeem reward points through SBI Rewards. तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सके होंगे, आप योनो एप्लीकेशन के मदद से आप अपने अकाउंट को पूरी तरह से एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे, साथ ही आपको बहुत ही फास्ट एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा। सो जैसे कि आप ये भी जान सके होंगे कि आप यहाँ से अपने अकाउंट रिलेटेड कोई भी क्वेरीज, कोई भी सर्विस को आसानी से अवेल कर पाएंगे। जैसे कि ऊपर अकाउंट बैलेंस पर क्लिक करते ही आपके अकाउंट में अवेलेबल बैलेंस देख सकते हैं, और अकाउंट्स ऑप्शन पे आप जाते हैं तो आपका यहाँ पर अकाउंट के अवेलेबल बैलेंस, अकाउंट स्टेटमेंट, आपका सभी FD यानी फिक्स डिपॉजिट जो किए हुए हैं उसका डिटेल्स यहाँ से आप देख सकते हैं। साथ ही आप यहाँ से लोन ले सकते हैं और लोन को रीपेमेंट कर सकते हैं और लोन के डिटेल्स को देख सकते हैं और सभी अकाउंट के फीचर्स को अवेल कर पाएंगे। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साइड में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि मैं इसी तरह के बैंकिंग रिलेटेड अपडेट्स लाता रहता हूँ।